वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात है वो 3:4:5 है और तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 यूनिट है, वर्ग यूनिट है। तो अगर कहीं भी 3, 4, 5 दिखें, 7, 24, 25 दिखें, भुजा का जो अनुपात 8, 15, 17 दिखें, 6, 8, 10 दिखें, ये सब जो होता है वो समकोण त्रिभुज का पहचान होता है कि यानी ये सब जो होता है समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा का अनुपात होता है। तो इसका मतलब अगर 3, 4, 5 उस त्रिभुज का भुजा है तो इसका मतलब वो त्रिभुज जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज का ये भुजा 3x, ये भुजा 4x और ये भुजा 5x दिया गया है। इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट है, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार 3x गुने ऊंचाई 4x, सॉरी आधार 4x था और ऊंचाई 3x, बराबर कितना 72। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और 3 × 2 = 6, 6 × 12 बार में, यानी जो एक्स स्क्वायर आ गया वो 12 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 4 × 3 = 12, 4 का 2 निकल जाएगा और 3 अंदर में ही रह जाएगा। यानी इस समकोण त्रिभुज का जो सॉरी अभी x का जो वैल्यू आया वो x√3 आ गया। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप पिछले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यानी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a, यानी 3 × भुजा, वो किसके बराबर है, इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 4, 5, 4, 9, 3, 12x के बराबर है, 12 और x के बदले में 2√3। यानी इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग, यानी 4, 5, 4, 9, 3, 12x, यानी 12x, 12 तो 12 लिख देंगे, x के बदले में 2√3। यानी इसका जो परिमाप है वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 × भुजा। यहाँ से समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाल सकते हैं, 3 × 4 = 12, यानी a बराबर कितना आ गया, 8√3। जब a बराबर 8√3 आ गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे √3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा में कितना है, 8√3 का स्क्वायर, यानी 8√3 × 8√3, 4 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, यानी ये √3 × √3 3 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 2 × 48 और ये √3 एक्स्ट्रा बचा, यानी 48√3 इसका आंसर हो जाएगा। एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, यानी 2 वर्ष पूर्व जो उसकी आबादी थी वो 10,000 थी। अगर 20% घटा तो यानी 1 साल में 80% घट जाएगा, 80% बच जाएगा, 20% घटने का मतलब 80% बच जाएगा, फिर अगला साल फिर 80% बच जाएगा, तो टोटल अब कितना, 2 साल के बाद कितना आबादी बता, 00:00 कट गए, फिर यहाँ 00:00 कट गए, यानी 8,400 आबादी बचा हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देता है, यानी वो जो आयकर मतलब टैक्स, यानी वो जो टैक्स देता है वो कितना परसेंट देता है, 4% देता है, क्योंकि 1 रुपया में 4 पैसा अगर टैक्स दे रहा है तो इसका मतलब, यानी 1 रुपया मतलब क्या, 100 पैसा, 100 पैसा में वो 4 पैसा अगर टैक्स दे रहा है तो ये जो 4% होगा वो क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। दर का डिफिनेशन क्या होता है, 100 रुपया में एक ईयर में मिलने वाला जो ब्याज होता है वही क्या होता है, रेट होता है। तो 100 पैसा में 4 पैसा ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब जो टैक्स दे रहा है उसका जो आयकर है वो कितना है, 4% है, ठीक है। यहाँ से निकल गया उसका टैक्स, पता चलेगा कि 4% टैक्स दे रहा है। अब आते हैं, वो पाता है कि ब्याज का दर 4% घटकर 3.5% हो गया, यानी पहले उसका जो ब्याज का रेट था 4% था, अब कितना हो गया, 3.5%। तो उसका शुद्ध वार्षिक आय जो है 48 रुपये कम हो गया, यानी ब्याज के दर में कितना कमी हुआ, 0.25% का, और शुद्ध वार्षिक आय में कितना कमी हुआ, 48 रुपये का, यानी 0.25% का वैल्यू 48, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48/
0.25, और 100 का 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1% का वैल्यू था, 100% का वैल्यू 48/0.25 × 100। अब ये पॉइंट को हटाएंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे तो 00 यहाँ पे आ जाएगा, 25 चौका 100, 48 चौका 192, यानी उसका जो 192 00, यानी उसका 192 00 क्या आया, उसका शुद्ध वार्षिक आय, यानी यहाँ पे जो 48 रुपया था शुद्ध वार्षिक आय था, तो इसका मतलब 192 जो इतना रुपया आया, 19,200, ये क्या आया उसका शुद्ध आया, आया शुद्ध आय मतलब क्या, यानी वो कुछ रुपया कमाता होगा, यानी वो कुछ ना कुछ रुपया कमाता होगा, उनमें से टैक्स वगैरह सब काट के जो रुपया बचता होगा वो उसका शुद्ध आय होता है। तो यह मान चलते हैं कि वो 100 रुपया कमा रहा था और वो 4% अगर टैक्स देता था तो उसके पास 96% बचता था, 96 रुपया वो किसके बराबर है, यानी 96% उसका शुद्ध आय होता था। अगर 100 रुपया कमाता था, 4% टैक्स देता था, तो 96% उसका शुद्ध आय होता था, और ये शुद्ध आय किसके बराबर है, 19,200 के बराबर है। 96 से ये 200 बार में कटेगा, 96 से ये 200 बार में कटेगा, और ये 100 से उधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 200, फिर 00, यानी 20,000 उसका टोटल आय आएगा, यानी उसका पूंजी कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अगर उसका शुद्ध आय बोला जाता तब तो 19,200 ही है, लेकिन टोटल उसकी पूंजी बोला जा रहा है तो यानी 20,000 हो जाएगा। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, यानी जो आदमी का चाल है, आदमी का चाल वो कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, और पानी का जो चाल है यानी धारा बोल सकते हैं उसको, पानी का जो चाल है वो 2 किलोमीटर पर आवर, तो व्यक्ति 10 किलोमीटर पर ऊर्ध्व प्रवाह में तैरने में उसे कितना समय लगा, यानी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना दिया गया 10, और स्पीड क्या हो जाएगा ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह बोले तो विपरीत धारा के विपरीत, ऊर्ध्व प्रवाह बोले तो ऊर्ध्व में धारा के विपरीत चलेगा, और अनुप्रवाह बोले यानी धारा के साथ चलेगा, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत, अगर धारा के विपरीत जाएगा तो इस दोनों का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 4 में से 2 गया, उसका जो चाल होगा वो 2 हो जाएगा, यानी 10/2 यानी 5 घंटा समय लेगा वो। एक अर्धवृत्ताकार पथ का जो परिधि है 36 मीटर है, अगर हम वृत्त का बात करें तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 1 मिनट, अगर हम किसी वृत्त का बात करें, ये वृत्त रहा, इस वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई आर, इस वृत्त का परिधि 2 पाई आर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के। अगर आधा वृत्त का बात करें, आधा वृत्त का बात करें, यानी यहाँ से लेकर केवल इतना वृत्त का बात करें, आधा वृत्त का बात करें, ठीक है, तो ये वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। अगर हम इसका आधा करें, यानी यहाँ से यहाँ तक का ले लें, ये लंबाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर होगा, और परिधि मतलब क्या, चारों ओर की लंबाई उसका परिधि होता है, यानी ये लंबाई भी ऐड करना पड़ेगा तभी परिधि होगा, और ये लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या, यानी जो अर्धवृत्त का परिधि होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर, सॉरी पाई आर प्लस 2 आर, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, परिमाप किसका, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस 2 आर, तो आर कॉमन लेंगे तो पाई के बदले में 10/7 प्लस 2, यानी आर कितना दिया गया है, सॉरी आर निकालना है, और अर्ध पर परिधि जो दिया गया है वो 36 दिया गया है, आर गुने ये इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7×9=14, यानी 36/7, 7 36 से 36 कट गया तो आर बराबर 7 आ गया, यानी जब त्रिज्या 7 आ गया तो उसका क्षेत्रफल बोला रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 2, पाई के बदले में 10/7, आर के बदले में 7×7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, यानी 11 से 77
वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी अगर कहीं भी क्षेत्रफल पूछे और 11 का मल्टीपल अगर एक ही ऑप्शन में दिखे, 11 का मल्टीपल, तो सीधा उसको 11 उसको टिक आउट करना है। 11 का मल्टीपल जहाँ भी मिलेगा, क्षेत्रफल वाले में या आयतन वाले में, तो सीधा उसको टिक आउट करना है। तो यानी यहाँ पे 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, तो डायरेक्ट 77 आंसर हो जाएगा। समीकरण 25x+75y बराबर 225 दिया गया है। अगर x बराबर हम 9 लिखेंगे, x बराबर 9, तो ये 25 × 9 225 बराबर 75y बराबर 225, तो वो 225 उधर जाएगा तो 0, यानी 75y बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर किसी भी इक्वेशन हम देखते हैं कहीं पे भी 3 और 4 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये x अक्ष का होता है और ये y अक्ष का होता है। और यहाँ पे x अक्ष कितना दिया गया है, यहाँ पे जो है x अक्ष कितना दिया गया, 9, x अक्ष का मान 9, और y अक्ष कितना गया, 0, यानी ये जो ग्राफ होगा वो 9 0 पर मिलेगा। यानी x 9 पे मिल रहा है और y 0 पे, y x का मान 9 आ रहा है, y का मान 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 9 0 पे मिलेगा। चौदह नंबर आते हैं, ए बराबर दिया गया x+y, बी बराबर x-y और सी बराबर x+2y। तो क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, बी सी। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एक तीन इक्वेशन दिया गया, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, तीसरा इक्वेशन ये, तीन इक्वेशन और 1 2 3 4 5, पांच वेरिएबल दिया गया। पहला वेरिएबल ए, दूसरा वेरिएबल बी, तीसरा वेरिएबल सी, चौथा वेरिएबल एक्स, पांचवा वेरिएबल वाई। तो अगर तीन इक्वेशन दिया गया तो तीन ही वेरिएबल फिक्स होगा, बाकी का कोई भी मान हम रख सकते हैं। ए बी सी का मान हम फिक्स कर देते हैं और एक्स वाई का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो एक्स के बदले हम रख लेते हैं 2 और वाई के बदले में 1 रख लेते हैं। तीन तीन मान हम फिक्स कर दिए ए बी सी, क्योंकि तीन इक्वेशन है तो तीन मान फिक्स होगा, तो तीन मान को हम फिक्स कर दिए। बाकी जो 2 मान है उसको कुछ भी रख सकते हैं, यानी एक्स के बदले में 2 रख लिए और वाई के बदले में 1 रख लिए। अगर x 2 y 1 रखे तो ए बराबर कितना आ गया, 2+1 3, और बी बराबर कितना आ जाएगा, 2-1 1। 2 1 इसीलिए रखे ताकि यहाँ पर घटाने में सुविधा हो। और सी बराबर कितना आ जाएगा, एक्स के बदले में 2 था, वाई के बदले में 1, तो 2 2+2 4 हो जाएगा। अब ये 3 1 4 यहाँ पे मान रख लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस ए बी, यानी ए बी करेंगे तो 3 1 3 माइनस बी सी यानी 4 1 4 और माइनस सी ए यानी 4 3 12, तो 16 16 1 17 9 26 माइनस 4 3 7 12 7 19, तो यानी 19 में से 26 गया तो 8 आ गया। 8 कहाँ पे आ रहा है, 19 7 26 यानी 7 आ रहे हैं, 19 7 26, तो 7 कहाँ पे आ रहा है, 7y² में 7 आ रहे हैं। यानी y के बदले में 1 रखें तो 7y² 7 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 7y² हो जाएगा। cos थीटा बराबर लिख सकते हो 1/cos1 23, यानी ये cos1 अगर उधर जाएगा तो, यानी cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/cos1 थीटा यानी sec थीटा के बराबर होगा, यानी sec 23 के बराबर हो जाएगा। सॉरी, 1/cos1 थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है, यानी sin 23 के बराबर हो जाएगा। यानी cos थीटा को, अच्छा इस साइन को अगर हम cos में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा। अगर हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये एंगल को क्या करना पड़ता है, 90 में से घटाना पड़ता है। यानी कॉस 90 - थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से दोनों बस अगर हम कॉस हटाएंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 - 23 यानी 67 डिग्री। sin² 5, sin² 10, sin² 15, 85 90, इसका मान निकालना। देखिए इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, जिससे अगर कहीं पे भी हमें दिखे sin² 5
प्लस साइन स्क्वायर 85, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 5 को साइन स्क्वायर 5 ही रहने देंगे, और साइन स्क्वायर 85 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। यानी साइन को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल को क्या करना पड़ेगा, 90 में से घटाना पड़ेगा, यानी कॉस स्क्वायर 5। अब हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। यानी थीटा के बदले में यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यानी ये मान 1 दे देगा। यहाँ भी देख रहे हैं तो साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 मिलकर 1 दे देगा। तो उसी तरह से हम और साइन स्क्वायर 10 और यहाँ जो साइन स्क्वायर 80 होगा वो मिलकर 1 दे देगा। उसी तरह से हम टर्म निकाल लेते हैं कि टोटल कितना टर्म आ रहा है। तो साइन स्क्वायर 5 से शुरू है, साइन स्क्वायर 5 से शुरू है, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर उसके बाद इसी तरह जाते जाते पहला 80 आएगा, फिर 85 आएगा, फिर साइन स्क्वायर 90 को हम लोग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर 90 को अलग कर देते हैं। बीच में 40, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं साइन स्क्वायर 5 और 85 मिलकर अभी 1 हो गया था, अभी जस्ट देखे थे, उसी तरह से 10 और 80 मिलकर 1 हो जाएगा। तो हम निकाल लेते 5, 10, 15, 80, 85 तक में टोटल कितना टर्म है, तो इसको हम लोग टी एन से निकालेंगे। तो टी एन बराबर क्या होता है, ए पी जी पी से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें ए कितना दिया गया, पहले टी एन, तो टी एन लास्ट पद को भी बोला जाता है, तो टी एन कितना दिया गया 85 बराबर 1 बदले में कितना 5 प्लस n-1, यानी n निकालना है। और d क्या होता है, a2-a1, यानी दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 इधर आएगा, तो 80 बराबर n-1 × 5, 5 से कितना बार में, 16 बार में, तो n बराबर कितना आ गया, 17, ठीक है। n बराबर जब 17 आ गया, इसको छोटा कर देते हैं, n बराबर जब 17 आ गया तो इसका मतलब 16 जो संख्या होगा, 16 टर्म का 8 निकल जाएगा। यानी दो टर्म मिलकर यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, यानी दो टर्म मिलकर 1 निकल रहा है, तो जो ये 16 टर्म यानी 16 जोड़ा होगा ये मिलकर 8 दे देगा। अब एक बच जाएगा बीच में साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जिसका कोई जोड़ा नहीं होगा, यानी 17 टर्म था ना, जिसमें से 16 टर्म 8 दे देगा और साइन स्क्वायर 45 का कोई जोड़ा नहीं होगा, तो यानी साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और एक बच गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 को हमने लिए थे, इसमें नहीं जोड़े थे, तो साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी 8 + 1/2 + 1, यानी 9 × 1/2। इस सवाल को देखने के बाद एक बार खुद से कॉपी पर प्रैक्टिस करना है 1-2 घंटा बाद, अगर फिर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देखना है। इस टाइप का एक सवाल और लिए हैं, साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। 134 नंबर, यहाँ पे साइन स्क्वायर 1, 3, 5, 85, 87, 89, यानी 1 और 89 मिलकर 1 दे देगा, साइन स्क्वायर 1 + sin² 89 है ना, तो साइन स्क्वायर 1 को sin² 1 ही रहने देंगे, और प्लस साइन स्क्वायर 89। अगर साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा, 90 में से 89 घटाएंगे तो 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया ना, इसका मतलब दो टर्म मिलकर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब दो टर्म मिलकर 1 आ रहा है तो हम पहले ये निकाल लेंगे कि टोटल कितना टर्म है, तो यानी 1, 3, 5, 7, ये जाते जाते 85, 87, 89 तक टोटल कितना टर्म होगा। यानी तो टी एन वाला फार्मूला लगा लेंगे, टी एन वाला क्या होता है, a + n-1 × d, और टी एन किसको बोला जाता है, लास्ट पद को भी बोला जाता है, तो यानी 89 बराबर a, यानी पहला पद कितना दिया गया 1 + n निकालना है, और d कितना दिया गया है, d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 3 में से 2 गया 1, ये 89 इधर आएगा, तो 88 बराबर n-1 × 2, 2 से 1 कितना बार में कट जाएगा, 44 बार में, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, तो 45। अब 45 संख्या आया तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ अनुमान लगा सकते हैं कि 44 संख्या का एक जोड़ा बन जाएगा, 44 संख्या का जोड़ा बनेगा तो 22 निकल जाएगा, और एक संख्या एक्स्ट्रा बचेगा, तो एक संख्या एक्स्ट्रा कौन बचेगा, 45 का कोई जोड़ा नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि 45 से पहले 43 आएगा और 45 के बाद 47 आएगा, तो
तो देख रहे हैं, जब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर 89 मिलकर अगर एक दे रहा है, तो यानी इस दोनों के एंगल एक 90 हो रहा है, यानी एक और 89 मिलकर 90 हो रहा है। इसी तरह 43 और 47 मिलकर 90 हो जाता है, लेकिन 45 का कोई जुड़ा नहीं मिल पाता, यानी साइन स्क्वायर 45 का कोई जुड़ा नहीं मिल रहा है, तो उसको हम अलग ही रखेंगे। यानी साइन स्क्वायर 45 का कभी जुड़ा नहीं मिल पाता है। तो 44 संख्या का 22, 44 जोड़ा का 22 निकल जाएगा, और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2 निकल जाएगा, यानी 22 प्लस 1/2 यानी 22 पूर्णांक 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। पहले टीएन से हम लोग निकाल लेंगे कि टोटल कितना टर्म है, उसके बाद जितना सम संख्या में जोड़ा लगा देंगे, फिर जो एक्स्ट्रा साइन स्क्वायर 45 बचेगा उसका मान अलग से लिख लेंगे। इस दोनों सवाल को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना 1-2 घंटा बाद। ये सवाल हो गया था, अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है, उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ पृथ्वी के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। चलिए कुछ एक मतलब जो 10 थीटा कॉट थीटा से बना लेंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखते हैं। अगर 30 60 90 दिया गया हो, किसी भी समकोण त्रिभुज में 30 60 90 दिया गया, तो इसका मतलब उसके जो भुजा का अनुपात होगा वो 1:3:2, यानी 30 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 1, तो 60 डिग्री सामने वाला भुजा की लंबाई √3, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 2। जैसे अगर ये मान लेते हैं ABC त्रिभुज मान लेते हैं ABC, इसमें ये 30 डिग्री दिया गया है और ये 60 डिग्री दिया गया है और ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर कहीं पे बोले कि AB की जो लंबाई है वो 10 दिया गया है, AB की लंबाई 10, तो AC का लंबाई पूछें। अगर AB का लंबाई 10 तो AC का लंबाई पूछें। तो हम लोग को पता है कि 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा, यानी ये 30 डिग्री है, इसके सामने जो भुजा होगा उसका लंबाई अगर 1 होता है, तो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा की जो लंबाई होगा वो √3, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और AB का लंबाई 10, यानी 30, ये AB का लंबाई अनुपात में कितना रहा, 1। 1 का वैल्यू जब 10 दे दिया गया है, तो AC का लंबाई पूछ रहा है, यानी AC का लंबाई अनुपात में कितना, 2, तो 2 का वैल्यू 20 हो जाएगा। या फिर अगर BC का लंबाई पूछता, BC का लंबाई कितना, √3, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20√3। यानी इससे बनाएंगे तो हमको कभी भी 10 थीटा कॉट थीटा लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा 30 60 90 के केस में, ठीक है। तो इस सवाल को भी हम लोग क्या करते हैं, 30 60 90 के केस से ही बनाते हैं। जैसे एक 15 फीट ऊंच कोई खंभा था, ये 15 फीट का था, ये बीच से कुछ ऊंचाई पर टूट गया। जब ये भाग टूटेगा, यानी ये भाग टूटेगा, तो ये कुछ इस तरह से गिर जाएगा, और ये जमीन के साथ लगकर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 30 डिग्री, तो बचेगा ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसका अनुपात ले, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 1 हो जाएगा, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई √3 और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा की लंबाई 2। 90 डिग्री सामने वाला भुजा की लंबाई 2 हो जाएगा। तो ये लंबाई, सॉरी, ये लंबाई जो था, यही ये लंबाई, ये गिरकर इस ये लंबाई बन गया था, यानी इसका अनुपात में मान 2 है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। इसका अनुपात में मान 2 है तो ये भी 2 होगा, क्योंकि क्योंकि यही पार्ट टूट टूट के ये पार्ट बना था ना। तो ये पूरा खंभा का लंबाई अनुपात में कितना आ गया, 1 + 2 = 3, अनुपात में खंभा का लंबाई 3, ये 3 का वैल्यू कितना है, 15, तो 1 का वैल्यू 5, 3 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 5, यानी खंभा कितना ऊंचाई से टूटा था, यानी यहाँ से टूटा था, यानी एक ही का वैल्यू निकालना था, तो 1 का वैल्यू 5, यानी 5 फीट से खंभा टूट गया था। 30 60 90 का अनुपात से ही बना लेंगे, या फिर 10 थीटा कॉट थीटा से भी बना सकते हैं। एक त्रिभुज ABC में A 90 डिग्री दिया गया है, 1 मिनट, ABC में A जो है वो 90 डिग्री दिया गया था,
ये 90 डिग्री दिया गया ए बी और सी मान लेते हैं। यदि ए डी बी सी पर लंब है, यानी यहाँ से ए से जो है ये डी तक जो है वो बी सी पर क्या है, लंब है, यानी ये ए डी जो है वो ए डी वो बी सी पर लंब है। अगर ए डी बी सी पर लंब रहता है तब इसका जो फार्मूला होता है ए डी स्क्वायर बराबर वो बी डी इंटू डी सी। अगर ए डी बी सी पर लंब हो तो ये ए डी का जो स्क्वायर होगा ये ए डी का स्क्वायर वो हो जाएगा बी डी इंटू डी सी हो जाएगा। तो बी डी कितना देगा, 4, ए डी दिया गया 6, यानी 6 का स्क्वायर 36 बराबर 4 गुने डी सी कितना हो जाएगा, डी सी निकालना है तो 4 से 9 बार में कटेगा, यानी डी सी जो है वो 9 आ गया, डी सी 9, यानी बी डी 4 दिया गया था और डी सी 9 आ गया, तो बी सी कॉलम में पूछा है तो 9 + 4 = 13 हो जाएगा, 9 + 4 = 13 हो जाएगा। ये था लंब का बात। अगर ये मिड पॉइंट पे होता है, दोनों केस देख लेते एक साथ, ए बी सी में अगर बी डी मिड पॉइंट पर रहता, ये तो लंब था ना, अगर ये मध्य बिंदु पर रहता, मध्य बिंदु पर यानी मिड पॉइंट, इसका अलग केस बना देते हैं, मिड पॉइंट अगर डी मिड पॉइंट पर रहता तब क्या होता कि जैसे तब बी डी का जो लंबाई होता मिड पॉइंट पर रहता, तब जो ये बी डी का लंबाई रहता है वो ए डी और डी सी के बराबर होता है, यानी बी डी बराबर ए डी बराबर डी सी, तब तीनों बराबर हो जाता है, कब, जब मध्य बिंदु पर रहता है, और जब लंब रहे तब ये फार्मूला लगाएंगे। क्यों बराबर होता है, क्योंकि अगर मध्य बिंदु रहता है तो इसका मतलब ये परिवृत्त का केंद्र हो जाता, परिवृत्त का केंद्र होता है तो परिवृत्त के लिए ये भी त्रिज्या हो जाता है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, और एक वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो बराबर होता है। मध्य बिंदु पर है तब तीनों बराबर हो जाएगा, और लंब रहे तो बी डी स्क्वायर बराबर सॉरी ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी हो जाएगा। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वो वृत्त का केंद्र है, चक्रीय चतुर्भुज मतलब वृत्त के अंदर चतुर्भुज, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और इसके अंदर एक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, इसके अंदर एक चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज ड्रॉ कर देते इसके अंदर, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये ए ये बी ये सी और ये डी, तो उसमें सी ओ डी 140 डिग्री दिया गया, यानी सी ओ डी सी ओ और डी ये दिया गया 140 डिग्री, और बी ए सी 40 डिग्री, यानी बी ए सी यानी बी ए सी ये जो दिया गया है वो 140 डिग्री दिया गया, बी ए सी ये 40 डिग्री दिया गया है, तो क्या चीज़ पूछा, ये पूरा एंगल सी पूछा जा रहा है। अगर ये सी डी के द्वारा ये केंद्र पर 140 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये सी डी के द्वारा इसके परिधि पर 70 डिग्री का कोण बनेगा, ये 70 डिग्री, ये सी डी के द्वारा केंद्र पर 40 डिग्री का 140 डिग्री कोण बन रहा है, यानी किसी भी सर्कल में अगर किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनता है, केंद्र पर 40 डिग्री का, तो उसके परिधि पर उसका आधा कोण बनेगा, यानी 20 डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरह ये सी डी के द्वारा इसके परिधि पर सॉरी केंद्र पर 140 डिग्री कोण बन रहा है तो उसके परिधि पर 70 डिग्री का कोण बनेगा, तो यानी ऊपर वाला जो पूरा कोण आ गया वो कितना आ गया, 40 + 70 110 डिग्री, यानी ये पूरा 110 डिग्री आया। चकिया चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये पूरा 110, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, यानी एंगल सी जो निकालना था बी सी डी वो आ जाएगा 70 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। दो त्रिभुज समरूप हैं, ए बी 10 डी ई एफ है, तो ए बी सी और डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है समरूप त्रिभुज में वो भुजा के अनुपात का स्क्वायर होता है, यानी भुजा का अनुपात 10:8 है, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 100:4
64 यानी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 4 से 16 चौका 64 यानी 25 अनुपात 16 आ जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में, बी प्लस सी 60 दिन में, ए प्लस सी 45 दिन में करता है, तो सी अकेला उस काम को कितना बार करता है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी ए प्लस सी, तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आ रहा है। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी जो मिलकर काम कितना दिन करेगा, 1/36 प्लस 1/60 प्लस 1/45 दिन में। एलसीएम जो आएगा वो कितना जाएगा, 180 एलसीएम आ जाएगा, 36 से 5 बार में, 60 से 3 बार में, 45 से 4 बार में, 5 4 9 3 12/180 यानी 1/15, 12 से 15 बार में काटेंगे। और ये 2 कट के उधर जाएगा, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है वो काम को कितना दिन में करेगा, 1/2, ये 2 इधर जाएगा तो 30, यानी 30 दिन में वो काम को करेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो किसका पूछा जा रहा है, सी का पूछा जा रहा है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 30 दिन में कर रहा है, उसमें से अगर हम ए बी को माइनस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी जो 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में, उसमें से अगर हम ए बी को माइनस कर देंगे तो सी का आ जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 1/30 माइनस 1/36, एलसीएम फिर कितना आ जाएगा, 180 आएगा, 30 से 6 बार में और 36 से 5 बार में, यानी 1/180 यानी जो सी आएगा वो 180 दिन में करेगा। अगर यह पूछता बी कितना दिन में करता, बी कितना दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए सी को माइनस करते, यानी ए सी को माइनस करते, इसका मतलब 1/45 को 1/45 को माइनस कर देते हैं, यानी जिसका पूछे उसको छोड़कर बाकी वाले को माइनस कर देना है। तो जिसका आंसर है 180 दिन आ गया। 2 आदमी 960 रुपया लेते हैं, वे इस काम को 16 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी एक आदमी ये है जो इस काम को 16 दिन में करेगा, दूसरा आदमी बी है जो इस काम को 24 दिन में करता है, 24 दिन में पूरा करता है, वे तीसरे आदमी के साथ काम को पूरा करके 8 दिन में लगाते हैं, तो तीसरा आदमी का हिस्सा क्या होता है। जो रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो क्षमता के अकॉर्डिंग होता है कि जिसका जितना ज़्यादा क्षमता रहता है क्षमता का अनुपात के हिसाब से उसको रुपया मिल जाता है, दूसरा काम के भाग के हिसाब से रुपया मिलता है। यानी कोई व्यक्ति 2/5 काम किया, 2/5 भाग काम किया, तो उस व्यक्ति को रुपया का भी 2/5 भाग ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम क्षमता के अकॉर्डिंग निकालना चाहेंगे तो पहले सी का दिन निकालना पड़ेगा, और सी का दिन कैसे निकालेंगे, तीनों मिलकर 8 दिन में करता है, यानी अगर तीनों में से हम ए बी को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना, 1/8 में से अगर 1/16 और 1/24 को माइनस करेंगे तो सी का आ जाएगा, सी का दिन, सी का जो दिन आएगा उसमें से फिर क्षमता निकाल लेंगे, ए बी सी का क्षमता का अनुपात निकालेंगे, फिर उसके बाद क्षमता के अकॉर्डिंग उसके, जैसे ए बी सी की क्षमता का अनुपात 2:3:5 आ गया बाय द वे, तो फिर इसको रुपया में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका जो है वो काम के भाग के अकॉर्डिंग, यानी कौन आदमी कितना भाग काम किया उसके अकॉर्डिंग हम रुपया को भी उतना ही भाग देंगे। तीनों मिलकर अगर 8 दिन में काम किया, ये तीनों मिलकर 8 दिन में, तो 8 दिन में ए कितना भाग कर देगा 8/16, और बी कितना भाग कर देगा 8/24। 8 दिन में ए और बी कितना भाग कर देगा, 8 दिन में ये 8/16 काम कर देगा, 8/24 काम कर देगा, यानी 1/2 और ये 1/3। अगर एलसीएम लेंगे तो 6, ये 3 उधर 2 इधर, यानी 5/6 भाग कर दिया ए प्लस बी मिलकर। शेष कितना बचा, शेष जो भाग बचा 1/6, ये शेष भाग को कौन किया होगा, सी किया होगा। 8 दिन में ए 8/16 और बी 8/24 किया, यानी टोटल मिलाकर 5/6 काम ए बी किया 8 दिन में, तो जो शेष बचा 1/6 वो कौन करेगा, सी करेगा। अगर सी 1/6 भाग काम किया तो 960 रुपये का 1/6 भाग ही इसको मिलेगा। तो 6 से कितना बार में कटेगा, 16 बार में, यानी 160 रुपया ही इसको मिलेगा, 160 रुपया ही इसको मिलेगा। यानी सी का भाग निकाले, सी 1/6 भाग किया तो 960 का 1/6 भाग रुपया ही उसको मिलेगा। 2 घन पूर्णांकों का जो युग्म है जिनके वर्गों का अंतर 45 है कितना होगा, इन वर्गों का अंतर बोले तो 2 संख्या x² - y² किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो इसमें कितना मान पॉसिबल है, अगर हम इसको फैक्टर करें, x माइनस x प्लस y इंटू x माइनस y होगा,
बराबर 45 दिया गया। तो यानी कितना मान ऐसा होगा जिसका एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में ये टूटे? तो पहला 45 गुने एक मान पॉसिबल है, यानी एक्स प्लस वाई के बदले में 45 कर देंगे और एक्स माइनस वाई के बदले में एक। दूसरा 15 या 45, 15 गुने 3 पॉसिबल है, यानी एक्स प्लस वाई 15 आ जाएगा, एक्स माइनस वाई 3, तो एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। तीसरा 9 5 45, यानी एक्स प्लस वाई 9 और एक्स माइनस वाई 5 हो सकता है, और कोई हो सकता है, और कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 मान इसका संभव होगा, 3 मान इसका संभव होगा। श्रृंखला 2 4 6 198 का मध्य पद क्या होगा? मध्य पद बोले तो औसत क्या होगा? और औसत जैसे मतलब समान संख्या बारे, समान संख्या में 2 से 4 गया 2 बारा, फिर 4 से 6 गया 2 बारा, अगर समान संख्या में इंक्रीज करें या एपी में हो तो जो औसत निकालना रहता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। यानी जो औसत निकालते हैं वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कब? कब जब एक समान सीरीज में हो। तो यानी इसका जो औसत होगा 2 प्लस 198/2, यानी 200/2, यानी 100 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ आते हैं, अगर यहाँ देखें दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यानी 4 4 8 3 11 अंक, नीचे कितना है 3 अंक, 4 7 4 11, ठीक है। यानी एक दशमलव के बाद 11 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 11 अंक नीचे भी है, तो दशमलव को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 4 11 से, और 4 1 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और ये अगर ये इसको काटेंगे तो 5 3 15, यानी 5 बार में ये कट जाएगा, 5 से 5 ये कट जाएगा, यहाँ 2 बचा हुआ है, और 225 से कितना बार में कटेगा? 9 बार में ये कट जाएगा, 9 बार में, 9 9 18 के अप्रॉक्स में पहुँच रहे हैं, तो 9 बार में ये कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा 9/2, यानी 4.5 इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 15:11 में कमी की गई, जो मजदूरों की संख्या था, जो मजदूरों की संख्या था वो 15:11 में कमी किया गया, यानी पहले मजदूर 15 था, वर्तमान में 11 हो गया, यानी ये पहले कितना था 15 और अब कितना हो गया 11 हो गया। 15:11 में कमी का मतलब क्या? पहले 15 था तो अब 11 हो गया मजदूरों की संख्या में, और उनकी मजदूरी यानी एक दिन का जो मजदूरी था वो किस अनुपात में बढ़ाया गया? यानी पहले एक मजदूर को 22 रुपये मिलता था तो अब एक मजदूर को 25 रुपये मिलने लगा, तो कुल मजदूरी में किस अनुपात में घटाई गई? यानी इसका मतलब पहले टोटल 15 मजदूर को अगर 22 22 रुपये मिलता था तो टोटल मजदूरी कितना हो जाता था पहले 15 गुने 22 पहले, अब क्या हुआ? अब 11 मजदूर है और प्रत्येक मजदूर को 25 रुपये मिला, तो अब टोटल वेतन कितना देना पड़ा? 11 गुने 25, यानी उसका जो अनुपात है कितना है? 11 से 2 बार में 5 3 15 5 6 25, यानी 6:5, यानी 6:5 में क्या हुआ? अब कमी हुआ, यानी पहले 6 रुपये देना पड़ता था तो अब 5 रुपये देना पड़ रहा है। एक खिलौने गाड़ी पर 400 के अंकित मूल्य पर गणेश पुंज के दौरान 8% की छूट, और फिर एक दुकानदार 8% की छूट घोषणा करते हैं। 400 था पहले, 8% की छूट दिया यानी 92% बेचा, फिर 8% की छूट दिया यानी 92% पर बेचा, यानी टोटल उसको कितना मतलब लगा? यहाँ इसे नहीं बनाते इसको, 8% का 2 छूट देता है तो कितना छूट, कितना छूट देना पड़ रहा है? 2 छूट का एक छूट क्या होता है? a+b - ab/100। अगर किसी को 2 छूट के बदले में 1 छूट देना है तो a+b - ab/100, यानी 8 8% का अगर 2 छूट रहेगा तो 8+8 - 8×8/100, यानी 16 - 88 = 0.64, यानी 15.36% छूट देना पड़ रहा है, ठीक है। अगर 16% का इकलौता छूट देंगे
यानी 8-8% का दो दो छूट दे रहे हैं, तो इसका मतलब 15.36% ही दे रहे हैं। अगर 16% का छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब कितना ज़्यादा हम छूट दे रहे हैं, 0.64, 16 में से 15.36 घटाएं, यानी 0.64 ज़्यादा छूट दे रहे हैं, तो हमको 0.64 का हानि होगा। यानी 400 का 0.64% कितना होता है, परसेंट निकालेंगे, यहाँ से डबल जीरो हटाएंगे, डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी 4 चौका 16 से 4 चौका 24 1 25, यानी 2.56 रुपया का हानि हो रहा है। पहले दो छूट का एक छूट निकाले तो 15.36 आ रहा है, दो छूट का एक छूट 15.36। अगर 8-8% का दो छूट देते तो 15.36% छूट देना पड़ रहा है, और 16% का एक छूट देते तो 16% देना पड़ रहा है, यानी 0.64 का हानि हो रहा है, क्योंकि 0.64 हम ज़्यादा छूट दे रहे हैं, तो जो हानि हो रहा है 400 का 0.64 हो रहा है। एलेक्स की वस्तु बचने के 30-30% का दो छूट, दो छूट का एक छूट क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, यानी 30 प्लस 30 माइनस 30 × 30/100, 30 30 60 हो जाएगा, और ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, -9 यानी 51%। एक प्रकाशक ने 2000 प्रतियों को 70,000 की लागत में छापी, यानी टोटल उसके पास 2000 पुस्तक था, 2000 पुस्तक को कितना लागत में छापी, यानी 70,000, यानी 70,000 उसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। उसके नमूने के पत्री में से 400 प्रतियाँ मुफ्त में बेच दी, यानी 400 अगर मुफ्त में दे दिया तब उसके पास 1600 बचा, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि उसने मुद्रित पुस्तक की कीमत पर 30% छूट दी और हर पुस्तक की मुद्रित कीमत 75 रुपया है, यानी 75 रुपया वो अंकित किया पुस्तक का, यानी जो विक्रयमूल्य था वो 75 रुपया अंकित किया, लेकिन उस पर क्या किया, 30% का छूट दिया, यानी 70% में बेचा, अंकित कीमत 75 था, उस पर 30% छूट दिया, 70% पर एगो पुस्तक को बेचा, तो 1600 पुस्तक को टोटल विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, × 1600। अगर यहाँ से हम कैलकुलेशन करें तो कितना जाएगा, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, और 4 से 4 बार में 400, यानी 4 से 84, यानी 8400 इसका विक्रयमूल्य आ गया टोटल। 1600 का विक्रयमूल्य कितना आ गया, 8400, यानी 7000 में खरीदा और 8400 में बेचा, तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, 1400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे, 7000 पे × 100, 00 00 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से 20 बार में, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। एक आदमी अपने पूंजी के 1/4 भाग को 3% ब्याज पे और 2/3 भाग को 5% को और शेष को 11% पे दिया, तो पूंजी से मिलने वाला समग्र प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे 1/4, 2/3, 1/4 और 2/3 का बात कर रहे हैं, तो जो हम पूंजी मानेंगे वो इस दोनों का मल्टीपल मानेंगे, तो 4×3 का मल्टीपल 12 होता है, तो हम टोटल पूंजी को कितना मान लेते हैं, 1200 मान लेते हैं। कभी भी हम पूंजी मानेंगे या कोई भी चीज़ मानना रहो तो हम हर का एलसीएम मानेंगे, तो ताकि 1/4 करने में भी सुविधा हो और 2/3 करने में भी सुविधा हो। तो 1200 का 1/4 कितना होता है, 300, 300 रुपये को क्या किया, 3% अगर ब्याज पर दिया तो यानी 9 रुपया ब्याज मिल गया। फिर 2/3, 1200 का 2/3 कितना होता है, 1200 × 2/3 यानी 800, 2 से 4 बार 4 × 800, 800 रुपये को क्या किया, अगर 5% के दर से ब्याज दिया तो 40 रुपये ब्याज दे दिया। फिर 8×3 1100 रुपया लगा दिया तो अब शेष बचा 100 रुपया, 100 रुपया को अगर 11% के दर से ब्याज दिया तो 11 रुपया टोटल ब्याज हो गया, तो ओवरऑल ब्याज कितना हो गया, 11 × 9 = 20 = 40 = 60, 60 रुपया टोटल ब्याज कमा रहा है, कितना पे, टोटल पूंजी 1200 पे, टोटल 7 रुपया जो टोटल जो है 60 रुपया ब्याज कमा रहा है टोटल पूंजी 1200 पे, तो ब्याज का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 60×1200/100, यानी 00 00 कट गया, 12×5 = 60, यानी 5% ओवरऑल उसका ब्याज प्रतिशत हो जाएगा। किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान कर देता है, इन दोनों मदों पर 2310 रुपये, यानी
30% यहाँ और 3% यहाँ, टोटल 33% खर्च किया। और ये 33% का वैल्यू कितना दिया गया, 2310 सॉरी सिंगल जीरो, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 33 से कितने बार में कटेगा, 70 बार में, तो 100% का वैल्यू 70 00, 70 पे 00 यानी 7000। ए को 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, यानी कोई चीज़ 100 रुपया था, ठीक है। इसमें अगर हम 10% बढ़ाए तो 110/100, और फिर 10% घटा दिया यानी 90/100, तो ओवरऑल कितना हो, 00 00 कट गया, 10 से 10 कट गया, यानी ये 2 0 कट गए, तो 11 99 यानी 100 रुपया था। अब कितना, एक बार 10% बढ़ाए फिर 10% घटाए तो 99 रुपये बन गए, तो कितना का कमी हुआ, 1% का कमी हो गया। दो छात्रों में ए बी पर मिलने वाले औसत अंक 25 और 40 है, यानी ए का औसत 25 और बी का जो औसत है वो 40 था, और जब दोनों को मिला दिए तब जो औसत है वो 30 हो गया। तो ये एलिगेशन से बना लेंगे, 40 में से 30 गया 10 यहाँ लिखेंगे, 25 में से 30 गया यानी 30 में से 25 गया 5 यहाँ लिखेंगे, यानी 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होगा, क्वेश्चन बताया जा चुका है। तो जो लोग वीडियो को, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।